सम्मान नियोजन और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय युवा सप्ताह मना रहे हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी इनको बचपन से ही पाश्चात्य संस्कृति का पालन करने के लिए जिद करने लगे, पाश्चात्य शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे, जबकि उनकी माता जी जो है वो चाहती थी कि ये हमारे जो पुत्र हैं वो भारतीय संस्कृति पर चले। इनके बचपन का नाम नरेंद्र देव दत्त। धीरे धीरे समय बीतता गया और अल्प आयु में ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। लगभग 21 साल के थे और इनके जब पिताजी नहीं रहे तो परिवार में काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। इन्होंने बहुत गरीबी को देखा एक तरीके से और बड़े चिंतित रहे। लगभग 21 साल की उम्र में ही इन्होंने भगवान वस्त्र धारण किया और पूरे भारत भ्रमण में ये चले। ठीक है, बाद में आपको याद होगा, आप लोग जीएस के छात्र भी जैसे पढ़ते हैं, 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग भी लिया। उसमें मैं नहीं इसलिए जाऊंगा कि ये काफ़ी चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं धर्म सम्मेलन की बात, बाकी आप इनके जो और भी कहानियां हैं सर द्वारा आपको बताई जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये रहा कि सभी लोग गुरु का सम्मान करें। धन्यवाद। उपस्थित कुलदीप सर और राजीव सर, सीके सर और विवेक सर, सभी सम्मानित टीचर्स और आप सभी स्टूडेंट्स, और आज में ये राष्ट्रीय युवा सप्ताह का जो आगाज है वो हम लोग आपकी क्लास से कर रहे हैं और कंटिन्यूटी बनी हुई है हम लोग। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा ना, मैं बहुत सारी बातें करूँगा क्योंकि आप स्वामी जी के जीवन से हर बच्चा हर भारतीय क्या पूरी दुनिया का हर छात्र हर युवा वाकिफ है। तो मैं 2-3 चीज़ों पर बस फोकस करना चाहूँगा। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। किसी स्थान पर जब सम्मेलन हो रहा था तो सम्मेलन में भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यवस्था को बड़ा नीचा करके दिखाया जा रहा था और वास्तविकता तो यह है कि आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जोरदार तरीके से हनन होता है पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा और इवन भारतीयों के द्वारा भी इसका काफी हनन होता है। हम अपनी चीजों को बहुत उच्च स्थान देने की कोशिश नहीं करते। तो हुआ क्या कि जब भारतीय सम्मेलन हो रहा था और जब सभी ग्रंथ रखे हुए थे तो जो भारतीय संस्कृति का जो ग्रंथ रामायण और गीता रखा था वो सबसे नीचे रखा हुआ था और उसके ऊपर बाइबल कुरान वगैरह वगैरह जितने भी, मैं स्पेशली नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी चीजें ऊपर रखी हुई थी और उनको सिंबलाइज ये किया जा रहा था उस समय कि देखिए जो आपकी संस्कृति है स्वामी जी जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं वो सबसे नीचे है। और स्वामी जी ने किस तरीके से उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करा, वो गए और नीचे से गीता को एकदम झटके से खींचा और जब उस किताब के सतह से बेसिक को जब तेजी से खींचा तो ऊपर जितनी भी किताबें रखी थी सब गिर गई। और फिर क्या था, जितने लोग वहां बैठे थे खड़े थे सबके बात समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप भारतीय संस्कृति और व्यवस्था और सभ्यता को सबसे हीन भावना के दृष्टिकोण से दिखाने और समझाने का प्रस्तुत करते हैं या प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पूरे संसार का मूल मंत्र जो है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं है। यदि आप इसके फंडामेंटल्स को, यदि इसके बेसिक्स को हटा देंगे तो फिर ये कुछ बचेगा नहीं और इसका प्रमाण आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि आपको जिस दिन आप ठान लोगे, जिस दिन आप सोच लोगे उसी दिन ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में ठान लेना, जिद कर लेना ही सफल होने की सबसे पहली निशानी होती है। क्या अंग्रेजों को पता था क्या कि गांधी जी को अगर ट्रेन से बाहर निकाल देंगे तो गांधी जी भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे? ऐसा तो नहीं पता नहीं था, अगर पता होगा क्या उनको भगा देते? वो नहीं भगा। उन्होंने भी स्वामी जी की ही बातों को फोकस करने की कोशिश की और पूरे भारत के हर नव युवा के दिल में वही बात बसाने की कोशिश की। और साथ ही साथ स्वामी जी ने बस एक लाइन में बात करने की कोशिश की कि अपने काम का पूरा सम्मान करिए, अपने ईमानदारी से अपने काम को करिए और जिस ओर युवा चलेगा, जब युवा जागृत हो जाएगा तो भारत की 130 करोड़ आबादी है और 130 करोड़ आबादी के 260 हाथ होंगे,
और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर हम 10 साल भी लगातार 260 हाथों 260 करोड़ हाथों से अगर काम करेंगे तो हमारा परिणाम और हमारा लक्ष्य कहां पहुंचेगा। तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश के सामने डरने की जरूरत नहीं होगी, जिसकी कोई औकात नहीं। तो यह आप मान के चलिए बस एक लाइन में कि हमें स्वामी जी के जीवन को अपने जीवन में उतार लेना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, पूरे ध्यान के साथ अपना काम करना है और दिन रात परिश्रम करके अपने जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचाना है और जिस तरह से उन्होंने भारत का सपना देखा था उस भारत के सपने को साकार करना है। सहमत है हमारी बात से? सहमत है ना? तो आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस के प्रारंभ के मौके पर यह संकल्प लेते हैं आप कि परिवर्तन तो लाना है ना, परिवर्तन लाना है ना। एक्सीड सोसाइटी और कुलदीप सर के मार्गदर्शन में ये चीजें हर बार चलती रहेंगी। जितने भी जरूरतमंद है, जितने लोगों की आवश्यकता है, उनमें जितना हो सकता है अपनी सोसाइटी के माध्यम से और आपके सहयोग के माध्यम से हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और हम आप सबके तरफ से भी और अपनी पूरी टीम के तरफ से भी खासतौर से सर को बहुत सारा थैंक्स करने की कोशिश करूंगा और कहूंगा भी, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद, इतना दिन रात मेहनत के बावजूद सर ने लगातार प्रयास किया है, लगातार कोशिश की है ना। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। मैं सर को ताड़ियां मारता हूं। साथियों, हमें सर ने शीर्ष संस्था की ओर से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं सर का पूरी संस्था का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें भारतीय हिंदू सन्यासी महान दार्शनिक एवं महान वेदांत विचारक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अपने कुछ विचार रखने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1893 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी जी वेदांत विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत में आध्यात्मिक से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के भक्ता के कारण ही पहुंचा। स्वामी जी ने रामकृष्ण परम मिशन की स्थापना की जो आज भी कार्य कर रहा है, वे रामकृष्ण परमहंस के स्वयं शिष्य थे। स्वामी जी ने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व अर्थात निवास है, इसलिए मानव जाति अत्यंत जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा कर सकता है। स्वामी जी ने अपने कथन द्वारा कहा कि नारी का सम्मान करो क्योंकि इन्हीं की वजह से सृष्टि, हम और आप सभी प्राणी का निर्माण हुआ है। मैं को स्वामी जी के अनमोल वचन कहना चाहूंगा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। आपके जीवन के तो सबसे महत्वपूर्ण दिन वो दिन है जिस दिन आपका जन्म हुआ और जिस दिन आप ये जान लेंगे कि क्यों हुआ। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभवी जगत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अपना बहुमूल समय देने के लिए धन्यवाद। मैं करता आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भोजन प्रिंस और प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने कभी देश कल्याण की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा विश्व कल्याण की बात की। उन्होंने एक धर्म को नहीं माना, वो अभी तो हर धर्म को माना। उन्होंने शिकागो में जाकर भाषण दिया कि अगर कोई भी धर्म है तो विश्व कल्याण वही धर्म कर सकता, ना वो हिंदू, ना वो मुसलमान, ना वो ईसाई, इन तीनों का सम्मिलन होकर कोई मानवता का धर्म ही विश्व का कल्याण कर सकता है। और हम यही कहना चाहते हैं कि संविधान विभाग के कभी भी अगर अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो होता है जो दूसरों के लिए जिया जाए।
पंक्ति कहना चाहता हूँ कि दिल बहलाने का सम्मान ना समझा जाए, मुझको अब इतना आसान ना समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को मेहमान ना समझा जाए। उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। जैसे मकान को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, उसके नींव को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट, सरिया, आज मिट्टी, बालू, पत्थर सब मिला के उसके नींव को मजबूत बनाया जाता है। उसी तरह हमारे शिक्षा रूपी नींव को हमारे गुरुजनों द्वारा उसे मजबूत बनाया जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की एक लाइन है, उसे बताना चाहता हूं। अगर आपकी दशा कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी दिशा सही है तो आपकी दिशा आपकी दशा को बदल देगी। जैसा कि आप सभी को पता है
कि युवा सरकार दिवस एक्सिस सोसाइटी के चेयरमैन कुलदीप मिश्रा सर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो 12 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है, तो 12 जनवरी के दिन संभव नहीं था कि वो कार्यक्रम हो सके। इस वजह से यह कार्यक्रम और लगातार आपको बता दें कि 200 स्थान पे कराने हैं और एक दिन वो संभव नहीं था, इस वजह से 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक यह कार्यक्रम रखा गया है। तो हम भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्वामी विवेकानंद को युवाओं का संत कहा जाता है ना, युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे, तो उनकी कुछ छोटी छोटी कहानियां एक दो हम आपके बीच बताएंगे। जैसा कि अभी बार बार आप लोगों ने नाम लिया कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद स्वामी जब वहां पे जा रहे थे, तो वहां जब गए थे इनका वेशभूषा देख करके उनको वहां पे बोलने का मौका नहीं मिला था, वहां पे इनको बोलने के लिए नहीं किया गया। तो एक व्यक्ति थे, हार्डी नामक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि आप स्वामी जी धैर्य रखिएगा, हम आपको बोलने को मौका जरूर मिलेगा। तो वो धैर्य रखे, सम्मेलन चला, चलते चलते समय बीतता रहा और विवेकानंद जी का पारी है। अब उस सोचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो लास्ट के उनको 5 मिनट का मिला मौका बोलने के लिए, लास्ट में 5 मिनट का मौका मिला था विवेकानंद जी को। और विवेकानंद जी जब वहां पे धर्म सम्मेलन में बोले, उनका पहला शब्द क्या था आप सब जानते होंगे, कुछ लोग, उनका पहला शब्द था मेरे भाइयों एवं बहनों, है ना। तो इस शब्द से वहां का जो सम्मेलन में जितने लोग बैठे थे सब लोग इस शब्द सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। जबकि वहां पे जानते हो कि विदेशों की जो कल्चर व्यवस्था है वहां पे, मतलब अपनी अपनी बहन को छोड़ के बाकी सबको क्या मानते हैं, पत्नी मानते हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सबको बहन माना जाता है, इतनी बड़ी संस्कृति। तो यदि आज अपना भारत जाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूं कि किसके वजह से, स्वामी विवेकानंद के ही वजह से अपनी संस्कृति जानी जाती है ना। एक छोटी सी कुछ ऐसी कहानी थी, एक कहानी और है। विवेकानंद जी अपने मठ में बैठे थे, अध्ययन कर रहे थे, अपना 4-5 ब्राह्मण घूमते टहलते आए और घूम रहे थे, टहल रहे थे, ऐसे अपना आना जाना लगाए और विवेकानंद जी अपने मठ में अपना अध्ययन कर रहे थे। तो आए 4-5 ब्राह्मण, तो जब विवेकानंद जी के पास आए, कहे स्वामी जी आप बहुत परेशान हैं हम लोग। उन्होंने पूछा, बताओ बच्चा क्या हाल है, क्यों परेशान हो, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हमने पूरे देश का भ्रमण कर डाला लेकिन देश में देखे कि कोई सुख समृद्धि नाम की चीज नहीं है, कुछ समाज में मतलब परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो विवेकानंद जी थोड़ा सा मुस्कुराए, अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने बताया कि देखिए कि अपने देश को, अपने समाज को आपको बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने देश में आप शिक्षा लाइए और अपने समाज में अपने समाज को शिक्षित करिए। यदि आपका समाज शिक्षित हो जाता है तो उसको समृद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग ये भी जोड़ देते हैं उस प्रेरक कहानी से, ये भी निकलता है कि अपने समाज में एक शिक्षा की आवश्यकता है, जैसा आप सभी जानते हो। तो अगर शिक्षित हैं और शिक्षा हम ग्रहण करें और समाज को शिक्षित बनाएंगे तो समाज तो अपने आप समृद्ध हो जाएगा ना, है ना। तो एक कुछ छोटी छोटी कहानियां थी, अब आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि तो आपका समय भी हो चुका है। विवेकानंद के बारे में अगर बोलते रहेंगे तो ऐसे महानुभाव व्यक्ति को दिन भर बोलते रहिए और उनकी कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी आपको मिलती जाएंगी। एक और छोटी सी कहानी याद आ गया, छोटी सी कहानी याद आ गया, उनके गुरु का नाम तो जानते ही होंगे, है ना, परमहंस जानते हैं ना। तो उनके गुरु जी बैठे थे, विवेकानंद जी थे, तो कहे गुरु जी आप भगवान को मानते हो और जैसा कि हम भाई मानक है कि उनको माता काली का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था उनके गुरु जी को, तो कहा ये हम कैसे माने, स्वामी विवेकानंद कैसे माने। ठीक है, कलाना हम दिखाते हैं, वो भी सुबह कहे, कहे कि नदी में आना, हम दिखाएंगे गंगा नदी में। स्वामी जी अंदर पानी में थे, वो उनके गुरु जी अंदर पानी में थे, इतने पानी में थे,
और जब जैसे ही विवेकानंद उस पानी में जाने लगे, विवेकानंद नदी में जैसे ही जाने लगे, जब नदी में जाने लगे तो विवेकानंद जी को लगा कि उनको कोई डुबो रहा है, पकड़ के उनको डुबो रहा है। तो जब अब जब कोई आपको पानी में डूबेगा तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करोगे बताओ भाई? बाहर आने के लिए प्रयास करोगे और जल्दी से प्रयास करोगे, है कि नहीं? आप अपनी ऊर्जा क्या लगाओगे? बहुत तेज लगाओ, बहुत जल्दी से हम बाहर निकले, यही करोगे ना? तो जब बाहर निकले तो फिर स्वामी जी ने पूछा कि आपको भगवान का दर्शन हुआ क्योंकि गुरु जी ने कहे, ये बात तो है। उसी वेद के अनुसार हम लोगों को अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी चाहिए कि जैसे आप पानी में थे तो सांस जितना हमको बाहर निकालने के लिए परेशान कर रहे थे कि हम निकले जल्दी से सांस ले, अगर उसी अनुसार हम लोग अपने लक्ष्य को ध्यान रख करके अगर काम करेंगे तो हम लोगों को कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी